व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, इस चैनल पे हमने ये चीज़ तो सीख ली है कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ उसको छोड़ के हमें 10 ऐसी रैंडम क्यूट चीज़ें दिख रही होती है, क्लिक बेट चीज़ें दिख रही होती है, जिसकी शायद हमें कभी ज़रूरत भी नहीं होती, बट देख के लगता है कि काश यार ये चीज़ हमारे पास होती। ऐसे ही आई केम अक्रॉस सम वेरी रैंडम क्लिक बेट क्यूट ब्यूटीफुल मेकअप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि यार इनके बारे में तो कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं देखा, ज़्यादा रिव्यू भी नहीं है ऑनलाइन, तो पता नहीं ये दिखने में ही सुंदर है, रियल लाइफ में मुझे सूट करेंगे भी या नहीं, वो वर्क करेंगे भी या नहीं। तो आओ लाइव टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है मेरे पास एक लिक्विड कंसीलर, लेकिन उसमें क्या खास बात है यार, ये एक व्हाइट कलर का कंसीलर है। ओह माय गॉड, आई हैव नेवर हर्ड कि कोई व्हाइट कलर का कंसीलर भी आते कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इट्स कंप्लीटली व्हाइट, वैसे लिक्विड आई लाइनर लग रहा है, बट ओके लेट्स ट्राई इट। ये सर व्हाइट फ्लूइड नहीं लग रही जो हम ऐसे स्कूल में यूज करते थे पेन के ऊपर ऐसे रब करने के लिए? ओके इट्स सो वियर्ड ये एक्ट। अरे अरे मेरे बालों पे लग गया, बाल तुम पीछे हो जाओ। मेरा माइंड थोड़ा सा अभी वर्क करना बंद कर रखा है। ये क्या वाइट वाइट लगा रही है तू अपने मुंह पे सोनिया? ऑल्सो इसमें कोई शेड नहीं है, ये जस्ट एक वाइट शेड ही आता है। लेट्स ट्राई टू ब्लेंड इट यूजिंग फिंगर्स ओनली। ये ब्लेंड तो बहुत ही ज़्यादा आराम से हो रहा है। ऑल्सो वी फॉरगॉट इसकी खुशबू वैसे ज़्यादा है नहीं, इट्स लाइक वेरी मिनिमल, ज़्यादा इसमें फ्रेग्रेंस आ नहीं रही है, विच इज़ लाइक ओके कि मेरे को बिल्कुल ऐसे वाइट भूतना बना दे। बट हाँ ये ब्लेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो रहा है इवन विथ फिंगर, सो दैट्स नाइस। कुछ डॉट्स लगाई है मैंने फेस पे एंड वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, लाइक पूरा वाइट हो गया मेरा फेस। ऐसा लग रहा है मैंने ऐसे पाउडर क्रीम लगा लिया मिक्स करके अपने फेस पे, ऐसे बच्चा नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता अपनी मॉम का मेकअप लेके, वो लग रहा है मैंने कुछ किया है, कुछ ब्लंडर सा हो गया मेरे फेस पे। वाइट छोड़ो, कुछ ज़्यादा ऐसे ब्राइटन अप कर दिया। आई थिंक दिस इज नॉट इनफ, लाइक अगर तुम्हें वाइट कंसीलर यूज़ करना है देन तुम्हें इसके ऊपर अपना नॉर्मल फाउंडेशन या फिर नॉर्मल जो स्किन कलर वाला कंसीलर होता है उसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। तुम लाइट शेड भी बना सकते हो, कोई भी डार्कर शेड को इसको मिक्स करके। इसके ऊपर वी विल ट्राई आवर पाउडर फाउंडेशन। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसकी बॉटल मुझे इतनी ज्यादा प्यारी लगी थी ऑनलाइन, आई वाज लाइक वाओ ये फाउंडेशन ऐसे ही मसी दूध की बॉटल से नहीं लग रही, लाइक कुछ और ही डिफरेंट सा प्रोडक्ट लग रहा था। ढीला क्यों है? ओके मैं थक गई। आ गया, वाओ मेरे को लग रहा है कि ये मेरे स्किन टोन से मैच हो जाएगा। भाई साहब खुशबू कितनी प्यारी है इसकी, ऐसे फ्लोरल पाउडरी सी, वाह वेरी नाइस। ये थोड़ा सा ऐसे थिकी थिकी सा लग रहा है बट ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ओके यहाँ थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, डॉट्स ऑल ओवर द फेस। मेरे को लग रहा है ये दो पंप कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, मेरा तो बहुत ही कम लग रहा है ये मेरे फेस पे। ऑल्सो इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने बहुत मस्ती चीज़ मंगवाई, तो फोटो में कुछ इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन हमारे पास इन्होंने नॉर्मल जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ऐसे वाले वो भेज दिए। सी ये स्कैम हो जाता है कभी कभी, इसकी तो बेचारी पूरी पतली बुरी सी हालत आई है। ऐसे क्लिकबेट प्रोडक्ट्स दिखते हैं ना ऑनलाइन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी वैसे ही आए। इन्होंने मेरे को बिल्कुल ही नॉर्मल वाले जो मार्केट में ऑनलाइन जो शेप वाले आते हैं ना, मेरे पास ये सिंपल वाले आ गए हैं, पाँच ही आए हैं, बट इन्होंने मेरे को वो चीज़ नहीं भेजी जो मुझे ऑनलाइन दिखा रहा था, लेकिन इट्स ओके अब हम इसी से ही ब्लेंड करेंगे। वैसे ये काफ़ी सॉफ्टी सॉफ्टी सा लग रहा है एंड या आई गॉट इट इन डिफरेंट कलर्स एज वेल, तो ओके मैंने इसको पूरा वेट कर लिया है, लेकिन जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। जिसकी ब्यूटी ब्लेंडर वैसे सॉफ्ट है बट ये अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहा है, इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया इतना सारा प्रोडक्ट, या इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है। ओके मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा वाइट होती जा रही हूँ, शेड पे शेड मेरा लाइट होता जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, डोंट फॉरगेट द नेक, चाहे तुम कितने ही वाइट लग रहे हो एटलीस्ट तुम्हारी नेक मैच करनी चाहिए। सब कुछ ब्लेंड करने के बाद मेरा फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वैसे मेरे को ज़्यादा चिप्पी चिप्पी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से सेट हो गया मेरे फेस पे एंड इट्स नॉट एट ऑल लाइक ट्रांसफरेबल एज वेल, तो ये काफ़ी अच्छा एंड ब्राइटेंड अप लग रहा है, लाइक अब ये वाइटिश नहीं लग रहा मेरे को ज़्यादा, ऐसा लग रहा है मेरा फेस थोड़ा खिल गया है एंड मैं थोड़ी नहाई हुई सी भी लग रही हूँ, सोई हुई नहीं लग रही हूँ अभी। लेकिन उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा मस्त चीज़ दिखी, वो है ये प्यारा सा आई शैडो। आई शैडो तो नॉर्मल ही होता है, इसमें क्या ही सोने तुम्हें अतरंगी सा दिख सकता है, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। प्यारा हार्ट शेप में हमें ये आई शेडो पैलेट मिला, इसमें मोस्टली मेरे को सारे ही कलर्स दिख रही, क्या है तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है प्यारा सा हार्ट शेप का। मेरे को ये सिल्वर शेड बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है हमारी ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके आई गॉट इट, ओह माय गॉड, इसमें कोई ढक्कन नहीं है, ठीक है ये ओपन है, ये खुला ही हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सिल्वर शेड चाहिए ना तो मैं इसका बस ये ऐसे निकाल लूँगी और ये निकल गया।
एंड अगर मेरे को दोबारा चाहिए, इसमें से डिप किया एंड ये निकाल लिया, दैट इज इट. दिस इज सो कन्वीनियंट, ओ माई गॉड. ओके वाओ, भाई साहब ये कितना सही, और कितने अच्छे से स्मूथली फैल भी रहा. हो गया मेरा आई शैडो, डन हो गया. क्या मस्त आ रहा है, और एक ही बारी में लग रहा है, लाइक मेरे को दोबारा लेना भी नहीं पड़ रहा. ये तो मस्त चीज निकली है, ये सुंदर भी और एक्चुअली में वर्क भी कर रही है. मेरा आई शैडो डन हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, मस्त शाइन भी मार रहा, चमक भी रहा. थोड़ा सा पिंक डाले, थोड़ा सा डाल लेते हैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर में, थोड़ा सा और फिर इसको ऐसे ढक के रख दो. ये हो गया है तुम्हारा, तुम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, कितनी सुंदर है यार. अभी आईज खत्म नहीं हुए मेरे पास, लिक्विड आई लाइनर्स भी, इनको देखो ऐसे, ये शिप शिप कह रही हूँ, शिप फिश ऐसे मर्मेड स्टाइल, ऐसे इसका पूरा पेन दे रखा है. ऐसा लग रहा है कि आई लाइनर है, कोई अलग सी चीज लग रही है. पूरा पैक्ड है, इसमें से प्लास्टिक रैप है, एंड ये मेरे को दो आए हैं. इतनी खास ही अच्छी सी डील मिल गई मेरे को, आई एम लाइक व्हाई नॉट सी. काफी अच्छी सी टिप दे रखी है, वाओ लेट्स ट्राई. ओके ये रही हमारी आग. ऐसे चुप हो जाती हूँ मैं, आई लाइनर लगा ऐसे फोकस हो जाती हूँ, ऐसे सांस भी ऐसे मैं रोक के लगाती हूँ कि बिल्कुल प्रिसाइज सा लग जाए. ये लग तो बहुत ही आराम से रहा है, काफी पिगमेंटेड भी है. या ये बहुत आराम से लग रहा है, या इट्स क्वाइट नाइस, आई थिंक इट्स डन. काफी स्लीक सा पतला सा लगाया मैंने, मैंने इस साइड भी आई लाइनर लगा ली, कुछ इस तरीके से दिख रहा है. बहुत ही प्यारा स्लीक सा लाइक मिनिमल कैट आई वाला, एंड काफी अच्छे से कर दिया, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा. नहीं सुंदर भी है कितना, तो करते हुए मजा आ रहा था. या हम सब ने ब्लैक लिपस्टिक के बारे में सुना है, ट्राई भी किया हुआ है हमने इस चैनल पे. मेरे पास एक ब्लैक ब्लश है, लुक एट इट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें मिरर भी दे रखा जो कि कुछ ज्यादा ही डर्टी हो रखा है, बट ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इट्स ऑल ब्लैक. खुशबू तो बहुत ही हल्की प्यारी सी, वही कॉस्मेटिक वाली खुशबू. ट्राई करते हैं. ओके वाओ, इट्स टू सॉफ्ट एंड क्रीमी, पूरा खराब हो गया ये. एंड इसे थोड़ा सा कलर बदला है मेरे फिंगर पे आते ही, ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर रहा है. एंड मैंने बहुत हल्का सा लिया था, एंड बहुत ज़्यादा आ रहा है ये. मैजिकल क्लिक बेट सुंदर सा प्रोडक्ट, ओ माई गॉड. सी एक बारी में लेती हूँ, उसे बस फिला दो पूरा लग गया, ओ माई गॉड. कुछ ज़्यादा ही पिंक हो गया है, अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा मेरे को इसको. थोड़ा सा नोज पे भी लगा लेते हैं. ये अब और कलर चेंज कर रहा है, लाइक बहुत जल्दी जल्दी और पिंक हो गया है ये. ऑल्सो अगेन इसमें कोई शेड नहीं होता, ये तुम्हारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, पीएच लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप ही यू नो चेंज कर देगा. हर स्किन टोन पे ये अलग ही एक पिंक शेड देने वाला है. और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा शाइन भी आ गया, इट्स वेरी लाइक सन किस रोजी ग्लोई सा. मतलब मेरे को ये वाला पिंक शेड अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को सूट कर रहा है. हमारा मेकअप लुक भी अब धीरे धीरे यू नो अच्छा होता जा रहा है, इट्स गोइंग समवेयर एटलीस्ट. ओके मूविंग ऑन. या मैंने ना एक और लिक्विड आई लाइनर मंगवाया, लेकिन इसमें कुछ और खास बात है. मतलब कि देखो, अरे पहले से खोल लेते हैं. तो ये ना काइंड ऑफ टू इन वन सा आई लाइनर है, मतलब यहाँ से तुम्हारा नॉर्मल आई लाइनर तो लग ही जाएगा ऐसे वाला, लेकिन इसकी दूसरी साइड हम ऐसे स्टार्स भी बना सकते हैं. वी लव स्टार्स, यू गाइस नो इट. एंड मैं इसको सोच रही हूँ आंखों पे नहीं, थोड़ा यहाँ ऐसे आईज के नीचे लाइक फेस पे बनाई. वाओ, इट्स सो इजी एंड डूएबल, इतना प्यारा लग रहा. ओह माय गॉड, ऐसे क्लस्टर सा बना सकते लाइक दिस. इतना ज़्यादा मस्त निकल कर आया है, ऐसा लग रहा है मैंने ड्रॉ किया है, बट इट्स लाइक अ स्टैम्प. तुम बस ऐसे स्टैम्प करो एंड हो जाएगा. हम यहाँ पे भी कर सकते हैं लाइक ऐसा लग रहा है मैंने स्टार टैटू बनवाया है. सो ना ये अब ऐसे रहेगा. मूविंग ऑन, मैंने एक आईब्रो पेंसिल मंगवाई थी, उन्होंने मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 आईब्रो पेंसिल भेज दी. ओके आई हैड नो क्लू, वो एक भी इतनी ज़्यादा सस्ती लग रही थी मेरे को. एंड रीज़न मैंने वैसे इसको इसलिए मंगाया था क्योंकि इसका जो आईब्रो ब्रश है वो बाहर है, इट्स लाइक टूथ ब्रश नहीं होता, वैसी सी शेप लग रही है. सो आप बताइए कि कुछ ज़्यादा ऐसा यूनिक सा लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं. इसका ब्रश भी बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक हार्ड सा लग रहा है ये, इट्स लाइक टूथ ब्रश. ओके डिड यू हियर दैट? ओके ऐसे ब्राउन कलर में आई है लाइक दिस. आई थिंक दिस विल वर्क, मेरे को ये कलर सही लगता है आईब्रोज में, मेरे को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना पड़ रहा है. एंड ये बहुत अच्छे से फिल हो रही है, कैन यू सी द डिफरेंस? मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बहुत ही हल्के हाथ से आई एम लाइक रफली फिलिंग माई आईब्रोज एंड दैट्स इट. हाँ ऐसे ब्रश करते हैं. ओके जो ये ब्रश है आई एम नॉट लाइकिंग, इट्स लाइक वेरी हार्ड प्लास्टिकी रफ रफ सा फील दे रहा है मेरे को, बट इट्स डूइंग इट्स जॉब. सो आई गेस ऐसे ही होता होगा, आई डोंट नो.
आई हैव टोटल ऑफ 5 ऑफ दीज. तो ये तो मेरा बहुत ही लंबा काम चलाने वाली है. कितने अच्छे से आईब्रो कर भी दिए इसने मेरी. आई एम डन एंड आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड विद इट. मेरे को ऐसे ही चाहिए होता है, लाइक बहुत ही हल्का प्यारा सा, ज़्यादा नहीं ऐसे केकी केकी है, यू नो ऐसे ब्राउन कलर आ भी नहीं रहा है बाहर एंड इट्स नॉट दैट स्टिकी एज वेल. सो आई थिंक दिस वर्क्स. गाइस आर नॉट रेडी फॉर दिस. मेरे को इतना सुंदर हाईलाइटर मिला, इस पर ऐसे रोज बना हुआ है, पूरी से फ्लावर इंट्रिकेट सी डिटेलिंग दे रखी है एंड इट्स शाइनिंग सो मच. थोड़ा सा लिया, ये फॉल ज़्यादा हो रहा है भाई साहब, कुछ ज़्यादा गिर रहा है. ये तो बहुत ही अच्छा चमका रहा है यार ये तो मेरे को. एंड एक ही ब्रश में, लाइक एक ही बारी में मेरा सारा ही फेस हो गया. थोड़ा सा लेते हैं, यहाँ पे भी लगा लेते हैं. वाह, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी लाइक बच्चों की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ. मतलब मैंने सारी चीज़ें कर ली, थोड़ी रंग बिरंगी सी हो गई हूँ मैं, बट इट्स ओके, वी आर ट्राइंग सम, इट्स फन दिस वे. ये भी एक मेकअप लुक ही लग रहा है, आई लाइक इट. ये एक्चुअली मैं वर्क कर रहा है एंड ये काफ़ी अच्छा. इसका नाम है सेक्सी हाईलाइटर. इट इज सेक्सी यार. मतलब ये मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा रैंडम चीज़ मैंने मंगवाई है. ये है एक एलोवेरा, लेकिन ये एलोवेरा शेप में तो है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मैजिक एलोवेरा लिप ग्लॉस. वेरी वेरी टाइनी, लाइक फिंगर जितना ही है मेरा. खुशबू इज लाइक वेरी फ्रेश एंड फ्रूटी. ओके आई एम स्केर्ड क्योंकि लिप प्रोडक्ट्स मेरे को ज़्यादा सूट नहीं करते एंड मैंने कुछ भी उठा लिया है ऑनलाइन, तो देखते हैं. ओके डर लग रहा है को. बहुत ज़्यादा जल्दी इसने कलर नहीं बदल दिया, अपने रंग बदलता है तू. बट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हल्का सा ग्लॉसी इफेक्ट भी है. मैंने हाफ पे ही लगाया है नीचे नीचे टू सी द डिफरेंस एंड मस्त लग रहा है यार. ऊपर भी लगाते हैं. मेरे को एक्चुअली में जो ये लिप शेड निकल कर आया है मेरे लिप्स में, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये सूट कर रहा है मेरे को एंड मेरे को पर्सनली भी ना ऐसे लाइट वाले शेड्स ही अच्छे लगते हैं. प्लस ये शाइन मार रहा है. ऑल्सो कंसिडरिंग कि ये लिप ग्लॉस है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिपी चिपी बिल्कुल भी नहीं. ऐसा लग रहा है मैंने लिप ऑयल लगा रखा है. इट्स वेरी वेरी हल्का, वेरी लाइट. आई डोंट नो क्या इन्होंने क्या यूज़ करा है इसमें, बट दिस एक्चुअली वर्क्स. सो गाइस ये मेरा फेस ऑफ मेकअप कुछ निकल कर आया. मेरे को सिर्फ लग रहा है कि जो ब्लश है वो कुछ ज़्यादा ही पिगमेंटेड है. लाइक थोड़ी देर बाद लगाने के बाद अभी कुछ और पिंक हो गया, तो आई गेस वो बहुत ही ज़्यादा कम और हल्का लगेगा. बट ओवरऑल मेरे को पूरा लुक अच्छा लग रहा है. लाइक आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा निकल कर आया है. हम थोड़ा हल्का हल्का भी लगा सकते हैं, जस्ट कि वी वर ट्राइंग देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वी वेंट ओवरबोर्ड. बट ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स ने आज काफ़ी अच्छा वर्क करा, इवन आई वाज सरप्राइज्ड यार. लेकिन ऑब्वियसली तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. एंड इफ यू वॉन्ट मी टू ट्राई सम मोर न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स, नीचे लिंक डाउन कर दो, मैं चेकआउट कर लूंगी एंड आई ट्राई फॉर यू गाइस. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं. बाई.